बनते ही बड़ी मुसीबत में फंस गए अब्दुल्ला। पहाड़ियों को कश्मीर से भगाने की कौन रच रहा साजिश? महबूबा का बड़ा खुलासा, अब्दुल्ला हो गए परेशान। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, मैं आपके साथ शबनम। उमर अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री बने 5 दिन ठीक से बीते नहीं कि उनकी चारों तरफ से घेराबंदी शुरू हो गई है। एक तरफ गांदरबल की घटना पर उमर अब्दुल्ला बुरी तरह फंस चुके हैं, तो दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती ने गांदरबल आतंकी हमले को लेकर ऐसा खुलासा कर दिया है जिससे अब्दुल्ला परिवार सिर पटकने को मजबूर हो गया है। दरअसल महबूबा मुफ्ती ने बड़ा हमला बोलते हुए ट्विटर पर एक पोस्ट किया और पोस्ट करते हुए लिखा, सोनबर्ग में हुए बर्बर हमले के बाद ऐसी खबरें हैं कि स्थानीय प्रशासन नॉन लोकल मजदूरों पर तुरंत घाटी छोड़ने का दबाव बना रहा है। मैं समझती हूं कि ये उनकी घबराहट है, मगर उन्हें इस तरह से चले जाने के लिए कहना कोई समाधान नहीं है। ऐसा करने से केवल और अधिक कठिनाइयां पैदा होंगी और देश में बहुत बुरी तरह संदेश जाएगा। जम्मू कश्मीर में हाल ही में शांतिपूर्ण और आतंक मुक्त चुनाव सम्पन्न हुए हैं। अब ऐसी त्वरित प्रतिक्रिया से दूसरे राज्यों में काम करने और पढ़ने वाले कश्मीरियों के खिलाफ भी नाराजगी हो सकती है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और राज्यपाल मनोज सिन्हा से निवेदन है कि हस्तक्षेप करें और कम से कम उन्हें पर्याप्त समय दिया जाए। अब समझिए, उमर अब्दुल्ला की सरकार आते ही जिस तरीके से बाहरी मजदूरों को निशाना बनाया गया, मजदूरों पर निशाना बनाकर गोलीबारी की गई, उससे कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि जम्मू कश्मीर में बाहरी लोग अब सुरक्षित नहीं हैं। और ये बात तब और क्लियर हो गई जब मजदूरों पर जैसे ही हमला हुआ, बाकी बाहरी मजदूरों को वहां से जाने के लिए बोल दिया गया। इस बात का आरोप खुले तौर पर महबूबा मुफ्ती लगा रही है। बता दें कि जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया था तो उससे बाहरी लोगों को भी घाटी में रहने बसने की सुविधाएं मिल गई थी। मतलब ये है कि बाहरी लोग भी जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद कर रह सकते हैं, लेकिन आतंकवादियों को, कुछ असामाजिक तत्वों को ये बात बिल्कुल रास नहीं आ रही है। यही कारण है कि अब आतंकी जम्मू कश्मीर में बाहरी लोगों को ढूंढ ढूंढ कर निशाना बना रहे हैं। गांदरबल की घटना को अभी अंजाम हाल ही में दिया गया जिसमें 7 मजदूरों की मौत की खबर सामने आई है। अब्दुल्ला की सरकार आते ही आतंक फैलना शुरू हो गया है जिससे अब्दुल्ला अब चारों तरफ से फंसते हुए नजर आ रहे हैं कि इस घटना पर ना सिर्फ महबूबा मुफ्ती बल्कि सोशल मीडिया पर लोगों ने अब्दुल्ला को घेरना शुरू कर दिया है। लोगों का कहना है कि अब्दुल्ला जो है आतंकवादियों को उग्रवादी कहकर संबोधित कर रहे हैं, उन पर निशाना उग्रवादी कहकर साध रहे हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ये क्यों नहीं बोलते कि आतंकी हमला हुआ है और आतंकियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जबकि आतंकी घटना को लेकर फारूक अब्दुल्ला के सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। वो फारूक अब्दुल्ला जो पाकिस्तान का समर्थन करते दिखाई दे रहे थे, वो आतंकी घटनाओं को लेकर अब पाकिस्तान को खुले तौर पर घेर रहे हैं। उन्होंने सीधे सीधे पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि आतंक के मसले पर पाकिस्तान को सुधर जाना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर कभी पाकिस्तान नहीं बन सकता और अगर पाकिस्तान नहीं सुधरेगा तो उसे मुंहतोड़ जवाब भारत की तरफ से दिया जाएगा। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने जिस तरीके से ट्विटर पर बयान दिया है उससे वो चारों तरफ से फंस गए हैं। अब महबूबा मुफ्ती ने भी उमर अब्दुल्ला की पोल खोल दी है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस खबर पर, आपकी राय क्या है, कमेंट कर अपनी राय में जरूर बताएं। नमस्कार।